आईपीएल 2024 की शुरुआत 22 मार्च से शुरू हो रही है और पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बंगलोर के बीच होने वाला है। तो एक तरफ है 5 बार की विजेता, तो दूसरी तरफ अभी तक एक भी टाइटल जिसने नहीं जीता। हालांकि वुमेन्स जो आरसीबी की टीम है, स्मृति मंदानी कप्तानी वाली, उसने 2024 में चैंपियन बनी है, लेकिन क्या मेंस टीम इस बार आईपीएल जीत पाएगी? आप भी मेरे साथ जुड़िए और कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और आप किस टीम को इस बार आईपीएल जीतते हुए देखना चाहते हैं। विराट कोहली ने बोला है कि वो जरूर इसमें अपन नाम लिखाना चाहते हैं, वो भी उन प्लेयर्स की लिस्ट में आना चाहते हैं, उस कप्तान की लिस्ट में आना चाहते हैं जिसने आईपीएल ट्रॉफी जीती हो। चुकी रोहित विराट कोहली ने भारत के तीनों फॉर्मेट की कैप्टेंसी की है, इसलिए जरूर उनके ऊपर सवाल खड़े होते हैं और खुद इस बात की टीस है विराट कोहली के अंदर कि वो आईपीएल एक बार जरूर ट्रॉफी जीतना चाहते हैं और इसी बार वो ऐसा कर सकते हैं। तो आप दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट ये भी करना है आपको कि पहला मुकाबला कौन जीतेगा, कौन सी टीम दोस्तों ज्यादा भारी मजबूत नजर आती है। अगर आप देखें तो फिर इसमें चेन्नई सुपर किंग को ले लें, दोनों टीमों के बीच कंपेयर करें कि कौन सी टीम ज्यादा भारी नजर आ रही है किस पर। तो उधर देखें तो अगर पहले बात कर लेते हैं कौन से प्लेयर किस टीम में नहीं है, तो आप देखें तो चेन्नई सुपर किंग को जो है वो डिवॉन कॉन्वे की कमी निश्चित तौर पर खलने वाली है। और एक और खबर उनके लिए आज मिल गई है, बहुत शॉकिंग खबर रही है कि एमएस धोनी ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। और उधर एक और अगर आप देखें तो आरसीबी के लिए वरुण हसरंगा का छोड़ देना वो भी एक बड़ा पॉइंट रहने वाला है इस बार आईपीएल में, देखते हैं कितनी उसकी कमी खलती है या नहीं। आईपीएल की अगर आरसीबी की बात करें तो उसके जो की प्लेयर हैं उसमें मैक्सवेल, विराट कोहली और कप्तान डू प्लेसिस भी रहने वाले हैं। डू प्लेसिस के ऊपर काफ़ी इस बार जिम्मेवारी रहेगी क्योंकि उम्र भी है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतना ज़्यादा खेले नहीं है, लीग ऐसे T20 जरूर वो खेलते रहे हैं, लेकिन क्या आईपीएल में अपनी फॉर्म को बरकरार रख पाएंगे ये भी सवाल होगा। लेकिन पूरा दारोमदार अगर मैं देखूं तो फिर इसमें सीधे तौर पर विराट कोहली और मैक्सवेल के ऊपर जाता है, दोनों बहुत बेहतरीन प्लेयर रहे हैं और वो जानते हैं कि किस पे बॉलर्स को कब खेलना है और कभी भी ये दोनों प्लेयर मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं। उधर सीएसके के लिए जाएं तो सबसे ज़्यादा मुझे अगर किसी प्लेयर में उधर दिखता है तो शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ जो युवा अभी कप्तान बनाए गए हैं, रविंद्र जडेजा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। और गेंदबाजी काफ़ी मजबूत नजर आ रही है दोनों टीमों की, अच्छी गेंदबाजी। उधर मोहम्मद सिराज है तो उधर दीपक चाहर है और उधर रीस पेपले नजर आ रहे हैं, तो पथिराना भी है और टीम दोनों मजबूत है, दोनों की गेंदबाजी अच्छी है, दोनों टीम में बिल्कुल मुझे लगता है कि इसमें मुझे 19-20 बिल्कुल भी खड़ी हुई जो डिफरेंस है वो नजर नहीं आता, दोनों इक्वल हैं। जो मैदान पर बेहतर खेलेगा, जो प्रेशर को हैंडल कर ले जाएगा, वो इस मुकाबले को जीतेगा। लेकिन आरसीबी के लिए एक अच्छी खबर है कि एमएस धोनी अब इस टीम को लीड नहीं करेंगे। जब लीडर तगड़ा होता है तो अपोनेंट जो टीम होती है उस पर काफ़ी दोस्तों प्रेशर पड़ता है, मेंटली एक प्रेशर रहता है विरोधी टीम पर कि सामने कौन सी टीम है और उस टीम के लीडर कौन है, एमएस धोनी। तो ये चीज़ें आरसीबी के साथ नहीं होने वाली है, जो पहला मुकाबला है वो आसानी के साथ आरसीबी टीम मुझे निकालती हुई नजर आ रही है। मैं फिर भी अपना अगर व्यू दूं तो मुझे लगता है इस मुकाबले को आरसीबी जीतती हुई नजर आने वाली, यदि सब कुछ ठीक रहा और विराट कोहली मैक्सवेल दोनों अपने अपने नाम के मुताबिक प्रदर्शन करते हैं तो फिर चेन्नई सुपर किंग इन दो प्लेयर के सामने मुझे नहीं लगता कि टिकने वाली है। आप भी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या मुंबई इस बार टाइटल जीतेगी या फिर कोई नई टीम जीतेगी। ऋषभ पंत की कैप्टनसी वाली दिल्ली कैपिटल्स क्या इस बार आईपीएल जीत सकती है? जीत सकती है तो दिल्ली के लिए वो कौन से की प्लेयर हैं जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो फिर दिल्ली आईपीएल जीत सकती है। और सनराइजर हैदराबाद की बात करें तो उस पर शिखर धवन के ऊपर काफ़ी कुछ है, मार्क राम है, क्या वो टीम जीतेगी? जो सनराइजर हैदराबाद के फैन हैं वो भी अपनी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराए, प्लीज़ कमेंट करके आप भी जरूर बताइएगा। और केकेआर के जो फैन हैं दोस्तों, केकेआर के फैंस भी बताएं क्या श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली और गौतम गंभीर का मेंटोर बतौर मेंटोर इस टीम को ज्वाइन करना क्या इस बार टाइटल जिताएगा, दिलाएगा? आंद्रे रसेल, सुनील नारायण से बड़ी भरी हुई एक मजबूत टीम नजर आ रही है, क्या केकेआर इस बार सभी टीमों पर दोस्तों भारी पड़ने वाली है? ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गुजरात टाइटंस हार्दिक पांड्या का चला जाना कितना नुकसान देगा, मोहम्मद शमी का भी ना खेल पाना कितना नुकसान देने वाला है, क्या शुभमन गिल इस टीम को सही से लीड कर पाएंगे, क्या शुभमन गिल ऊपर ले जा पाएंगे, क्या हार्दिक पांड्या की जो कमी हुई है उनका बाहर जाना है, क्या उस कमी को पूरा कर पाएंगे शुभमन गिल? बहुत सारे सवाल है, केन विलियमसन उनके साथ जरूर जुड़ेंगे और उनकी काफ़ी कुछ हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप उधर चले जाएं लखनऊ सुपर जायंट्स है, क्या लखनऊ सुपर जायंट्स के जिसके कप्तान केएल राहुल हैं, क्या वो टीम इस बार निराश नहीं करेगी, इस बार अच्छा करेगी? हालांकि उनको झटका जरूर लगा है, बतौर मेंटोर जो थे गौतम गंभीर अब वो केकेआर जा चुके हैं, तो क्या
इस बार कुंटन डीकॉक और केएल राहुल की जोड़ी और जो लखनऊई नवाब है क्या उनका जलजरा बना पाएंगे, ये भी एक दोस्तों बड़ा सवाल होने वाला है। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और आपकी टीम किस बार आईपीएल जीतेगी, आप किस टीम को आईपीएल जीतते हुए देखना चाहते हैं, और यदि आपकी टीम जीतेगी तो कौन से वो की प्लेयर हैं जो आपकी टीम को इस बार चैंपियन बनाएंगे। कमेंट दोस्तों जरूर कीजिएगा। देखते रहे स्पोर्ट्स धमाका।